नमस्कार दोस्तों, पड़ोसी मुल्कों यानी कि चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और रक्षा उपकरण बना रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको इन्हीं में से सबसे शक्तिशाली और खुफिया तरीके से विकसित हो रहे खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे जो बेहद ही सटीक और घातक होंगे। दुश्मन सपने में भी सरहद के इस पार कोई हरकत करने के भूले से भी नहीं सोचेगा, क्योंकि ये हथियार उसे नींद भी नहीं आने देंगे। ये वो हथियार है जिन पर दुनिया के सभी बड़े बड़े देश फिलहाल रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की अपकमिंग सीक्रेट वेपन्स पार्ट 1 के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। दोस्तों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार के ऊर्जा को एकत्रित करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली आदि बेकार हो जाती है। इससे वो दिशा भ्रमित हो जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। DEW से दो तरह के हमले किए जाते हैं, पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। अंग्रेजी मैगजीन द वीक में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि DRDO एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, यानी कि दुर्गा है। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइटवेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बना चुका है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। दोस्तों, पिछले साल एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमैट्स, सैनिकों और एम्बेसी के कर्मचारियों को सिरदर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। माना जाता है कि इनके ऊपर DEW से हमला किया गया था। पेंटागन के हिसाब से ये हमला रूस द्वारा किया गया था, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया है। लेजर वेपन से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स आदि को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद किसी भी चीज को जलाकर खाक कर देती है। DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा दुर्गा 2 के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है जिसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही कर चुका है। इसे HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल कहते हैं, जो विमान या फिर मिसाइल 6126 किलोमीटर से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या फिर बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से पलक झपकते ही दुश्मन पर बम्स गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही क्रूज मिसाइल के तरह इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर गिराया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 से 800 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ही ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। नेवल शिपबॉर्न UAV। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिपबॉर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रेडिएटर ड्रोन्स को US से लीज पर लिया था,
भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन्स हासिल करने के प्रयास भी कर रही थी। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ड्रोन्स यानी कि मानव रहित विमानों की सप्लाई करने के लिए है कहा जाए, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन्स से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। समुद्र में बैठे बैठे नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन्स के जरिए नजर रख सकेंगे और साथ ही जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। लाइटवेट टैंक्स। दोस्तों, भारतीय सेना पहले रूस के हल्के टैंक स्प्रूत लाइट टैंक्स के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन अब डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर वज्र हविजर तोप को हल्के टैंक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र हविजर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि उसे ऊंचाई वाली रणभूमि तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। चीन से हुए पिछले संघर्ष के दौरान सेना को इसकी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में मेक वन प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इनमें से 4 लाइटवेट टैंक्स के हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 भीष्म टैंक्स तैनात किए थे। ये बेहद भारी होते हैं, इन्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाना भी बेहद मुश्किल काम होता है। साल 2009 में जब माउंटेन डिवीजन की शुरुआत की गई थी, तभी भारतीय सेना ने 100 से अधिक लाइटवेट टैंक्स की मांग उठाई थी। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 तक होने की है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इसके आने के बाद रूस के MI-17 और MI-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इनका 5 पत्तियों वाला मुख्य पंखा होगा और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ में लगा होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिकों को ले जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम वजन उठा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर और ऊंचाई 6.22 मीटर होगी। इसमें 2 टर्बोशिफ्ट इंजन लगे होंगे जो 4000 किलोवाट की ताकत देंगे। ये अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकेगा। इसमें लगने वाले हथियारों की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा या फिर भारत में विकसित किया जा रहा अपकमिंग वेपन्स Part 1। इस पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही और अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।